नमस्कार। दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले हम आपको पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की सेहत के बारे में बता दें। एम्स में भर्ती अरुण जेटली इस समय आईसीयू में हैं। एम्स से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत इस समय स्थिर बनी हुई है। उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट सामान्य है। आज उन्हें सुबह एम्स में भर्ती कराया गया था। कई विभागों के डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। लगातार इससे जुड़ी खबरें आ रही हैं और सबके मन में ये सवाल है कि वो तंदुरुस्त तो हैं। आपको ये भी बता दें कि रात 10:30 बजे तक एक और मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बारे में कहा जा रहा है। हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। इस समय हमारे साथ अशोक सिंघल जुड़ रहे हैं और साथ में हिमांशु मिश्रा भी जुड़ रहे हैं। दोनों एम्स में ही इस समय मौजूद हैं। अशोक जी, क्या अपडेट दिया जा रहा है? क्या चिंता की बात अभी बनी हुई है या फिर अभी स्थिर है? देखिए, अभी एक मेडिकल बुलेटिन अपडेट दिया गया है एम्स की तरफ से, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि आज सुबह उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत अभी स्टेबल है, स्थिर बनी हुई है, लेकिन मल्टीपल डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। आईसीयू में वो एडमिट है। क्योंकि अरुण जेटली के बारे में बता दूं कि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, उसके बाद थोड़े दिन के बाद उनको कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। अमेरिका में भी वो इलाज करवा के आए थे, जिसकी वजह से पिछले टेन्योर में, पिछली मोदी सरकार में, मोदी सरकार वन में उनको वित्त मंत्रालय पीयूष गोयल को दिया गया था। जब पीयूष गोयल ने बजट पढ़ा था, क्योंकि वो बीमार चल रहे थे, तबियत ठीक नहीं थी, उसके बाद से लगातार उनकी तबियत खराब चल रही है। उन्होंने पार्ट टू में भी मना कर दिया था कि वो सरकार में शामिल नहीं होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरा स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं होता तब तक मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा। तब से लगातार वो एम्स में आ रहे हैं, बार बार चेकअप करवा रहे हैं। इसीलिए सबके मन में ये आशंका सी बनी कि पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया था जी, लेकिन आईसीयू में भी हैं और उनसे जुड़ी हर खबर पर हमारे सभी संवाददाताओं की नजर है। हिमांशु, जिस तरीके से लगातार वो एक्टिव तो रहे हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज के निधन पर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने जितने भी सरकार के फैसले आते हैं उस पर उनके आर्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, यानी अचानक उनकी तबीयत फिर गड़बड़ हुई थी जो आज सुबह 11 बजे उन्हें एडमिट कराना पड़ा था। देखिए, मैं आपको बता दूं श्वेता कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत जो है वो हमेशा जो है ठीक नहीं रहती है, और इसलिए उनको हफ्ते में एक बार जरूर रूटीन चेकअप के लिए आना पड़ता है एम्स में, और इसलिए आज भी वो इसलिए आए थे। लेकिन डॉक्टरों को कुछ कार्डिक प्रॉब्लम नज़र आई और उसके बाद उनको एडमिट किया गया और उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया गया। और जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में वो भले ही अभी ना हो, लेकिन दूर से भी वो पॉलिटिक्स की हर नब्ज को देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट जरूर करते हैं, चाहे सरकार का कोई बड़ा फैसला हो या सरकार की कोई पॉलिसी डिसीजन हो। और ये भी कहा जाता है कि गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर सरकार के फैसले पर एक बार जरूर अरुण जेटली से डिस्कस करते हैं। भले ही वो सरकार में इस समय किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनकी सलाह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस सरकार के अंदर और पार्टी के अंदर। और इसीलिए अगर आप देखें तो उनके समय समय पर ब्लॉग्स भी आते हैं, आर्टिकल्स आते रहते हैं, और ये आर्टिकल्स और ब्लॉग जो है वो पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं को बताते हैं कि उनकी किस इशू पर, कौन से मुद्दे पर क्या लाइन रहने वाली है। श्वेता,